गुज़िश्ता माह सीनियर अदाकारा सलमा जफर ने अदाकारा जवरिया और इनके शोहर साउद पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने के इल्जाम आयद किए थे। सोशल मीडिया पर सीनियर अदाकारा सलमा जफर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने अदाकार साउद और इनकी अहलिया अदाकारा जवरिया साउद पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए दावा किया था कि वो इनके 1 करोड़ जबकि आम लाजमीन के भी हजारों रुपए खा गए हैं। सलमा जफर ने कहा था कि साउद और इनकी अहलिया की जानब से बनाए गए प्रोडक्शन हाउस में अदाकारों और मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है, जबकि मुलाजमीन को तनख्वाहें तक नहीं दी जाती। अदाकारा ने इल्जाम आयद किया था कि जवरिया साउद ने महाना 7,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजमीन को भी तनख्वाहें अदा नहीं की, जबकि योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को 10 रोज के काम के बदले 4 दिन के पैसे दिए। वीडियो में इन्होंने इतराफ किया था कि इनके पास जवरिया और साउद की करप्शन और इनकी जानब से मुलाजमीन के पैसे खाए जाने के शवाहद मौजूद नहीं, ताहम वो सच बोल रही हैं। जिसके बाद जवरिया साउद ने इल्जाम का जवाब देते हुए कहा था कि हमने इनके पैसे बहुत साल पहले ही क्लियर कर दिए थे, और अगर हम पैसे नहीं दे रहे थे तो सलमा जफर ने 7 वर्ष तक हमारे साथ क्यों काम किया। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में बताया कि इनका प्रोडक्शन हाउस जे प्रोडक्शन अदाकारा सलमा जफर के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाने पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जिसके बाद अदाकारा शीरी शाह ने इंस्टाग्राम पर तकरीबन 10 मिनट दुरानी की वीडियो में दावा किया था कि जवरिया और साउद ने उनके 90 लाख रुपए देने हैं, महज 10 लाख रुपए ही अदा किए गए हैं। जिसके बाद अदाकारा सलमा जफर ने जवरिया साउद पर एक और इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जवरिया साउद ने ओ माँ गाने का क्रेडिट नहीं दिया। सलमा जफर ने कहा कि ओ माँ गाना मेरा स्क्रिप्ट था, जो चैनल पर माओं के आलमी दिन पर चलाया गया था। ये स्क्रिप्ट मैंने फेस्टिवल के लिए रखा था, लेकिन इन्हें दे दिया था। बात को जारी रखते हुए इन्होंने मजीद कहा कि तहरीर में कहीं मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया और लिखारी के तौर पर जवरिया साउद का नाम गया। बरखा टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।